क्या हो रही है? है मालिश हो रही है, मालिश मालिश हो रही है। पहले नानू हमारे भी ऐसे करते थे, पता है हम छोटे थे ना, पहले हम छोटे थे ना, हमारे भी नानू ऐसे ऐसे मालिश करते थे मालूम है, और हमको इतना मजा आता था। मैंने आपको बताया था ना, कैसे लग रहा है झूठू? इधर देख तो, निन्नी तो नहीं आ गई? हमको तो बड़ा अच्छा लगता था। बताओ ना, छज मात ने चुगान में रखी, रिएक्शन तो दो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषा ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और धूप में आंखें नहीं खोल रही, तो अभी दोपहर के 3 बजे और मैं जा रही हूँ बाहर। किससे मिलने जा रही हूँ आपको मैं पहुँच के बताती हूँ। अभी मैं स्कूटी से जाने वाली हूँ, मेरे पास चाबी है और अकेले जा रही हूँ, और किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, और जाके पहुँच के आपको मिलवाते हैं। और बहुत बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये मीटिंग हमारी, लाइक हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन वो पोस्टपोन होते 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 फाइनली इस बार हम लोग मिल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। और धूप है यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है, फिर भी मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि स्कूटी पे जाऊँगी तो हवा लगेगी, अदरवाइज़ काफ़ी तेज़ धूप है। गाड़ी वाड़ी में चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब लोग फ्री है, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो स्कूटी लेके चलते हैं। आज बहुत कम चलानी होती है, आजकल काम ही नहीं पड़ता, वहाँ मेरे पास है नहीं तो यहाँ कभी कभी चलाती हूँ, आती हूँ तो थोड़ी सीट वीट साफ कर देती हूँ। चलो जी, अभी इतनी साफ हो पाएगी वरना लेट हो जाएंगे, और रेडी हो रखे हैं तो गंदे हो जाएंगे। गेट खोले, अभी फोन रख दूंगी डिक्की के अंदर क्योंकि जीन्स की पॉकेट में आता नहीं है, बैठ जाए तो गिर जाएगा, तो अभी बीच में किसी का कॉल वगैरह आएगा तो पिक नहीं कर पाएंगे। तो चलो बाय गाइस। सो मैं पहुंच चुकी हूँ और जिनसे मिलना है उनका कर रही हूँ वेट, तो अभी तक आए नहीं है। और मैं पहुंची हूँ रातानाडा फ्लेमिंगो कैफे, और उनका वेट कर रही हूँ जिनसे मिलना है। या सोचो अकेले अंदर कौन जाए यार, वेट ही कर लेते हो ना अकेले, मुझे क्या ही करूँगी बैठ के, इससे अच्छा बाहर खड़ी हूँ धूप में। और या फिर सोचो एक बार के अंदर जाके अच्छी से जगह देख लेती हूँ, बैठ लेती हूँ, सोचते हैं, वेट ही कर लेते हैं। काफ़ी देर हो गई, 10 मिनट हो गए मुझे आए हुए ऑलमोस्ट, और मैं आज टाइम पे हूँ। जनरली मैं हमेशा लेट होती हूँ हर जगह पे, लेकिन आज टाइम पे हूँ। वेट इज़ ओवर एंड फाइनली मैडम आ चुके हैं। डर डर के क्यों आ रहे हो? हाँ, इनका ले रही, आपका नहीं ले रही। कितने सारे दिनों बाद मिल रहे हैं, हजारों बार प्लान बना बना के फ्लॉप हुए। मैं यहाँ से देख रही थी उस गेट से आपको। अच्छा, मैंने दिखो गए जाते रहे। अरे वो उसे बता रहा था कि 40 मीटर, तो फिर मैं सोचा थोड़ा सा आगे, यहाँ से निकली ना जस्ट, फिर बात तो थोड़ा सा आगे निकली, बोलती है पीछे रह गया, पीछे रह गया ना ये टंकी है ना। सो गाइस, फाइनली वेट इज ओवर और मेरी भाभी आ चुकी है, तो बस अभी यहाँ पे बैठ के बहुत ही गंभीर मुद्दे पे विचार विमर्श हो रहा है, देख सकते हैं आप, वो है कि आखिर क्या ऑर्डर किया जाए और क्या खाया जाए, क्या मंगवाया जाए, क्योंकि मेन्यू कार्ड में होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस वैरायटी, और हमें ऑर्डर करनी होती है लाइक 3, 4 या 5 मैक्सिमम, इतने ही दो लोग खा पाते हैं, और वो भी ऐसा होना चाहिए कि भाई बहुत टेस्टी भी होना चाहिए, हमारे पैसे भी बर्बाद ना हो और हम लोग सेटिस्फाई होके जाएं। हालांकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ, मेरे बर्थडे पे आए थे, हम लोग सारी फैमिली आए थे, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसलिए मैंने भाभी से पूछा था कि आप फ्लेमिंगो आए हुए हो या नहीं आए हुए हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तक नहीं गई हूँ यहाँ पे कभी भी, तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं, और आपको भी सेंटर में पड़ेगा, मुझे भी सेंटर में पड़ेगा, क्योंकि भाभी आए थे उधर सारानगर साइड से भी आगे से, और मैं आई थी पाल साइड से, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट था ताकि हम दोनों को डिस्टेंस इक्वली कवर करना पड़े। एंड भाभी को मैंने कहा था कि यहाँ का खाना वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम आराम से बैठ के लंच करेंगे। वैसे लंच का टाइम तो स्किप हो गया था क्योंकि 1:30-2 बजे करना था, लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 3 बज गए थे, बट इट्स ओके, हमें भूख बड़ी भयंकर वाली लगी थी। और हमने ऑर्डर किया था सबसे पहले सूप, वो भाभी ने किया था, मैंने की थी कॉफ़ी क्योंकि भाभी को जुकाम था, तो उन्होंने कहा कि मैं गर्म गर्म सूप पीऊंगी, लेकिन फिर उन्होंने मेरी कॉफ़ी टेस्ट की और उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिर से सूप के ऊपर अपने लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी, क्योंकि सच में यहाँ की बहुत ही टेस्टी थी। एंड देन हमने ऑर्डर किए थे मंचूरियन, सच में गाइस आप लोग जाएं ना कभी भी, मतलब आप जाना जाएं क्या, मतलब ज़रूर 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 जाना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फूडी हैं, घूमने के शौकीन हैं और कैफेज़ वगैरह आप एक्सप्लोर करते रहते, तो यहाँ पे ज़रूर जाना। और जो लोग गए हैं तो वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताने कि आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड जाए तो मंचूरियन ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, लाइक हमने पिछली बार ड्राई खाए थे, इस बार ग्रेवी वाले खाए थे, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर किया था, पास्ता एंड ऑल, और क्या किया था,
क्या किया था यार, याद नहीं आ रहा शायद। हाँ, ये गार्लिक ब्रेड वगैरह की। तो आगे अगर कुछ भी और आता है तो मैं आपको बताती हूँ हमने और क्या क्या ऑर्डर किया था। एंड यस, ये मेरी भाभी है, मेरा भाई है राहुल, उनकी वाइफ है। और जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको तो पता ही है, क्योंकि काफ़ी बार वीडियोस में आ चुके हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। और भाई तो बाहर रहता है लाइक जॉब में, और बस यहाँ भाभी होती तो उनसे मिलना वगैरह हो जाता है। बाकी जो इनका बेटा है चीकू, उससे मिल लेते हैं इस बार। वो हम दोनों ने डिसाइड किया कि सर बच्चों को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हर बार हम लोग ना बच्चों को ही साथ लेके जाते हैं और फिर बच्चे हमें बिल्कुल भी बात नहीं करने देते। लाइक वो उन्हीं के पीछे पूरा दिन निकल जाता है। और वैसे मिलता इतना ही है, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम। और ये है ऊपर से व्यू कैफे का, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा उम्मीद हेरिटेज की बिल्डिंग, उसके पीछे दिख रहा है आपको उम्मीद पैलेस, जोधपुर की शान। और दूसरा आपको दिखाते हैं जोधपुर की शान हमारा मेहरानगढ़, वो भी यहाँ से विजिबल है। तो काफी अच्छा व्यू है इसके टेरेस से, और यहाँ से आपको दिख जाएगा रातानाडा सर्कल है, या 5 बत्ती वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला शायद वही है। और ये है हमारे जो हमारा क्या मतलब फ्लेमिंगो यार, हमारा मतलब हम जहाँ गए थे वो वाले कैफे का व्यू है। और हम लोग अभी बस हमारा खाना पीना तो हो चुका है। वैसे यार बहुत कम टाइम के लिए भाभी आए थे, क्योंकि उनको फिर कुछ और काम था, लाइक कुछ और फैमिली काम था तो वहाँ जाना था। और वो टीचर है तो टाइम रेस्ट्रिक्टेड था, पहले स्कूल भी जाना था। और यहाँ पे हमने आगे थोड़े कुछ फोटोग्राफ्स लिए, लाइक ये हमारी मेमोरीज है कि अगली बार मिलेंगे तब याद रहेगा कि हम लोग लास्ट टाइम तब मिले थे, वहाँ मिले थे, और ये वो। और यहाँ पे देखिए बाहर बैठने के अरेंजमेंट्स भी है, यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट भी है। और बाहर बड़ा मजा आता है सर्दियों में, लाइक धूप में, हल्की हल्की से धूप में आप आराम से बैठ सकते हैं, रात को भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। वो बड़े बड़े से वो लग रखे क्या बोलते हैं हीटर्स। और गर्मियों में तो खैर मजा ही आता है बाहर बैठने का, अच्छा सा व्यू मिल जाता है, लाइटिंग एंड ऑल। एंड अभी जा रहे हैं ऊपर, क्या है। सो गाइज, ये था फ्लेमिंगो, और यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का, बोलो ना मैडम। बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, खाना बहुत टेस्टी था। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर भी एक जगह है तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको भी देख लेते आए। सो ऊपर का व्यू तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि एक तरफ थी पानी की टंकी और एक तरफ था पूरा रेस्टोरेंट का जो डक्टिंग वाले पाइप्स थे, वही सारा कुछ था। लेकिन हाँ ठीक है, सेटिंग एरिया था सेपरेट बैठने का, अगर आप अलग से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ऊपर बैठ सकते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के, क्योंकि नीचे अगर फैमिलीज वगैरह रहती है तो बस उसी हिसाब से। एंड यहाँ पे मैं भाभी से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है आपको बच्चों को घर छोड़ के, तो भाभी कह रहे थे ठीक है बड़ा मजा आ रहा है, अदरवाइज हम लोग पूरे टाइम बच्चों के पीछे और उनके लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने में रहते हैं, हमारी खुद की तो बातें हो ही नहीं पाती है। और वैसे भी आपको पता है जब भी दो लड़कियां या दो औरतें मिलती हैं उनकी कितनी सारी बातें होती है, कितनी सारी बातें होती है, मतलब जो भी टाइम मिलता है वो कम पड़ जाता है। हालांकि यहाँ तो देखो इतनी इतना ही टाइम मिला, बाकी जब हम लोग जयपुर आते थे तब भैया भाभी आते थे जयपुर और 3-4 दिन रुकते थे, हम लोग बहुत मजे से घूमते थे, खाते थे, पीते थे, रात रात भर हम लोग पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, पूरी पूरी रात बैठकर हम लोग नॉन स्टॉप बातें करते रहते थे। और तब ये हमारे बच्चे भी नहीं थे तो हम लोग पूरा फ्री थे, ऐसा कोई जल्दी सोना है उठना है बच्चे उठा देंगे वो भी कोई टेंशन नहीं थे। यहाँ पे मैंने कबूतर का पता नहीं क्यों कैप्चर कर लिया, और सनसेट होने वाला है तो बस अभी हम लोग निकलते हैं वापस घर की ओर। और मुझे जाना है अपनी एक और फ्रेंड से मिलने के लिए, मेरे स्कूल की फ्रेंड है, और जितनी वो हमारी उम्र है उतनी हमारी पुरानी दोस्ती है, क्योंकि हम लोग लाइक नर्सरी से फ्रेंड्स हैं नर्सरी से, और वो भी यहीं रहती है रातानाडा, तो उससे भी मिलना था बिकॉज वो प्रेग्नेंट है और उससे काफ़ी टाइम से मिलना था, उसकी गोद भराई थी मैं तब भी नहीं जा पाई थी, और उसकी शादी, इवन उसकी शादी थी तब भी मैं नहीं जा पाई थी। तो चलो मैंने सोचा कि यहाँ पे आई हूँ तो आज उसी से ही मिल लेती हूँ, और उसका उसने काफ़ी मुझे बुलाया था उस टाइम गोद भराई के टाइम भी, लेकिन वही है ना यार मैं यहाँ थी तो नहीं जा पाई, और इवन शादी में भी नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम मेरी डिलीवरी हो गई थी, पीहू उस टाइम हुई थी जस्ट, और फिर इसलिए मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो चलो अब भाभी को कहते हैं अलविदा। ये थी हमारी आज की मीटिंग, इसको यहीं पर रैप अप करते हैं, और पता नहीं अब वापस तो कब मिलेंगे, कोई आइडिया? हाँ, दिल्ली आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो बस उनका इंतज़ार करेंगे दिल्ली आने का। एंड बस और यहाँ पे मैं 15 AD आ चुकी हूँ, जो कि रातानाडा पे ये इतना सारा कुछ खाना खाने के बाद भी मैं 15 AD क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है उससे मिलने जाना है, एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी में पता ही है खाने पीने की तो कितनी ज्यादा क्रेविंग्स होती है, तो बस मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ ले लेती हूँ। और लेने से पहले मुझे दिमाग में आया कि यार मैं उससे पूछ लेती हूँ उसको मीठा खाना है या स्पाइसी खाना है, क्योंकि सबको अलग अलग तरह की क्रेविंग्स होती है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे मीठा बिल्कुल नहीं खाना, तो मेरे लिए कुछ स्पाइसी ही लेके आना। तो बस मैं यहाँ से उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें करवा रही हूँ पैक, और फिर जाऊंगी उससे मिलने के लिए। एंड हालांकि मैंने वहां जाके बिल्कुल भी कुछ भी व्लॉग नहीं किया, वीडियो नहीं किया, क्योंकि यार बहुत कम टाइम के लिए मिले थे, ऑलमोस्ट रात होने वाली थी, ठंड थी, तो मुझे भी घर जल्दी जाना था। और बस वो पहुंचते ही उसकी तो बहुत सारी शिकायत हो कि पोटली खुल गई कि तू क्यों नहीं आई ये वो, मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं, बस अभी आई हो तो बस मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, गुस्सा कम कर, शांत हो और बातें करते हैं बैठते हैं।
तो बस मैंने वहां कुछ ब्लॉग नहीं किया, एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बाय।